नमस्कार, मैं शिल्पा जोसल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले तीखा कोल्हापुरी चिकन। ये मसाले की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। तो सबसे हम चिकन को अच्छे से धो लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 काले मिरी। अब इसमें हम चिकन भी डाल देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चटपट अंबारी मसाला, 1 धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच और अंबारी चटपट मसाला डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हो तो 2 ही चम्मच डालिए। और इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट होने देंगे। और 2 हरी इलायची भी डालते हैं। पंद्रह मिनट हो गए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग हमारा चिकन पक गया है। अब इसमें हम फिर से डालेंगे 2 चम्मच अंबारी चटपट मसाला और 2 चम्मच लाल मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ग्रेवी बताई है, लगभग 5 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये साइज़ का चम्मच हमने इसमें डाला है, 5 चम्मच। इसमें आप लगभग 7 से 8 लोग खा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर फिर से 10 से 15 मिनट होने देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, चिकन भी पक गया है हमारा। आप इस स्टेज पे भी इस ग्रेवी को खा सकते हैं जो ड्राई पसंद करते हैं, पर हम पतली ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें हमने डाल दिया है कटा हुआ धनिया। लगभग 2.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम फुल रखेंगे 1 उबाल आने तक। फिर हम इसे स्लो कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसे हम 1 चम्मच घी डाल के स्लो फ्लेम पे ही होने देंगे। हमारा कोल्हापुरी चिकन रेडी है, तीखा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। आप YouTube पे कोई भी रेसिपी वीडियो देखते हैं
तो उसे लगभग दो बार देखिए। दो बार आप देखेंगे तो उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपसे कुछ स्किप नहीं होगा। हमारा कोल्हापुरी चिकन रेडी है, आप देख सकते हैं कितना स्पाइसी लग रहा है और टेस्टी भी।